कुंभ से आई है ये खबर, जहां धर्म संसद से पहले संगम क्षेत्र में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पहली बार यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक का आयोजन कुंभ में होगा। 31 जनवरी को राम मंदिर पर धर्म संसद का भी आयोजन कुंभ में हो रहा है और 29 जनवरी को कुंभ में योगी सरकार की बैठक होनी है, कैबिनेट की मीटिंग होनी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विशाल पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, पूरी जानकारी आप दे दें, क्या ये कहें कि धर्म संसद से पहले ये बहुत जरूरी हो गया था? देखिए पायुति, धर्म संसद से पहले उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार की जो कैबिनेट है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी और कई महत्वपूर्ण निर्णय इस कैबिनेट की बैठक में कुंभ से लिए जाएंगे। इसका एक मैसेज ये सरकार देने की कोशिश कर रही है कि कुंभ में साधु संतों के बीच में आकर हम कैबिनेट की बैठक करेंगे। और हमारे सूत्र ही बता रहे हैं कि साधु संत जो कि राम मंदिर को लेकर लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, सरकार से मांग उठा रहे हैं, तो उससे पहले जो यूपी सरकार के मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री आकर साधु संतों से बात करेंगे और तमाम चीजों पर कैबिनेट की बैठक के बाद साधु संतों से राय भी ली जाएगी। और उसके ठीक बाद 31 तारीख को यहाँ पर धर्म संसद का भी आयोजन होना है, तो उससे पहले सरकार इस तरह से साधु संतों के बीच में आने की कोशिश कर रही है। इसी मैसेज के लिए यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यहाँ पर कैबिनेट की बैठक करेगी। पहुंची ठीक है विशाल, आगे आपसे और अपडेट लेंगे इस खबर पर हम, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक पहली बार कुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक होगी। और आपको बता दें कि कुंभ में धर्म संसद से पहले इस बैठक को करना सरकार के लिए इसमें बड़े मुद्दों पर मोहर लगा देना, और साथ ही अब ये देखना होगा कि इस बैठक में और क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं। हालांकि एक ही बड़ा फैसला है जिसकी उम्मीद की जा रही है, लेकिन क्या वो उतना आसान होगा और धर्म संसद से पहले इस कैबिनेट की बैठक को कुंभ में करने के मायने क्या है, ये आगे आपको बताएंगे।